चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नवरती वो बाद में देख लेंगे, जो बच्चे नहीं आ पाए वो बाद में देख लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। जो बच्चे नहीं आ पाए वो बाद में देख लेंगे, अपने पास तो रिकॉर्डिंग्स रहेगी ना। तो ये है, चलिए। तो कल जो मैंने आपको बताया था, सरिता आ गई ना, बस ठीक है। तो कल जो मैंने आपको बताया था वो ये चीज़ थी, दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, है ना। ये एक क्वेश्चन था 5 नंबर का जो मैंने आपको करवाया था। आज एक नया सवाल करेंगे हम लोग, कल मैंने आपको बताया था कौन सा सवाल करने वाले हैं, तो वही आज हम करेंगे, दैट इज सैटेलाइट लोकेशन एंड लुक एंगल, है ना। सैटेलाइट लोकेशन एंड लुक एंगल के किस अकॉर्डिंग सैटेलाइट को सेट किया जाए, उसका लोकेशन क्या रखा जाए कि वहाँ से धरती का बहुत सारा पार्ट कवर हो जाए, दैट्स कॉल्ड द लोकेशन एंड लुक एंगल। इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे। सुना, सैटेलाइट लोकेशन इज द ओरिएंटेशन, सैटेलाइट लोकेशन इज द ओरिएंटेशन, इज द ओरिएंटेशन ऑफ सैटेलाइट, मतलब कि किस तरह से उसको ओरिएंटेड किया जाए वो चीज कहलाती है। ऑफ सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में ना, सो विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। इन अ सैटेलाइट, इन अ सैटेलाइट लीनियरली पोलराइज्ड सिग्नल्स, लीनियरली पोलराइज्ड सिग्नल्स आर यूज्ड सो मेंटेनिंग कंट्रोल, सो मेंटेनिंग कंट्रोल ऑन सैटेलाइट लोकेशन, ऑन सैटेलाइट लोकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सैटेलाइट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये सब रिक्वायरमेंट होती है सैटेलाइट को मेंटेन करने की, उसका लोकेशन आपके हाथ में होना चाहिए, तो वो चीज़ें होती है। सैटेलाइट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, सैटेलाइट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ आर रिलेटेड टू वेरिएशन, आर रिलेटेड टू वेरिएशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो बिगड़ जाता है बाहर से अगर कोई फोर्स लगता है तो, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इफ द सैटेलाइट, इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च, इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च, मान लो सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं अपन लोग,
करेक्टली, अगर एक बार वो करेक्टली लॉन्च हो गई, करेक्टली इनटू इट्स ऑर्बिट, इनटू इट्स ऑर्बिट, अगर वो एक बार ढंग से ओरिएंटेड हो गई, देन द कंट्रोल सिग्नल, तो उसका कंट्रोल सिग्नल जो है, हम लोग धरती से और मतलब पृथ्वी से, अर्थ से, ग्राउंड से कंट्रोल कर सकते हैं. देन कंट्रोल सिग्नल देन द कंट्रोल सिग्नल देन द कंट्रोल सिग्नल दैट आर जनरेट देन द कंट्रोल सिग्नल दैट आर जनरेट ऑन ग्राउंड यूज टू कीप सैटेलाइट यूज टू कीप सैटेलाइट इन लोकेशन, मतलब हम उसको किसी लोकेशन पर सेट करके और यूज कर सकते हैं. जैसे अपन ने उसको धरती से कंट्रोल कर लिया, तो आप चाहो तो उसको अमेरिका के ऊपर भेज दो, आप चाहो तो उसको जापान के ऊपर भेज दो, तो हम लोकेशन उसकी सेट कर सकते हैं. और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सैटेलाइट कीपिंग, नॉन एज सैटेलाइट कीपिंग. तो उसको कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है, दैट्स कॉल्ड द सैटेलाइट कीपिंग, कि आप उसको कहाँ पर रखना चाहते हो सैटेलाइट को. तो ये सारी चीज़ें हम लोग धरती से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हमें उसे कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कितना रखना है, तो ये सारी बातें. अब इसको मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा दे रहा आपको, कि सैटेलाइट जो लॉन्चिंग होती है, जो उसको कीपिंग करने की शर्त होती है, वो क्या क्या, कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन होता है. तो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अब इस चीज़ को. 3D सैटेलाइट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, पहले डायग्राम बना लो, फिर अपन कैलकुलेशन करते हैं. 3D सैटेलाइट पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट की पोजीशन कैसी रहेगी, ये देखते हैं हम लोग, है ना. नीचे आ जाओ, तो इसका 3D व्यू चेक करते हैं एक बार. देखो, ये हो गया, इसको हम यहाँ से इस तरह से देखेंगे, ठीक है. ये हो गया इसका लोकेशन, और ये इसकी एक एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है. यहाँ से जो है एक स्ट्रेट लाइन निकाल देते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट से ना, और यहाँ से एक और लोकेशन देते हैं अपन लोग, जो इनके कटिंग पॉइंट से होके निकलता है, यहाँ से होके निकलता है यहाँ तक, दैट्स ठीक. अब समझना ये चीज़ें मैंने क्या बनाई है. ये तो हमारा ओरिजन है, ये सैटेलाइट का व्यू है जहाँ से आप लोग देखते हो, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये वाई एक्सिस है जहाँ से आप
इस अर्थ का व्यू देखते हो, ये अर्थ है नीचे, जो आप ये जो नीचे वाला पार्ट बनाया ना मैंने, ये वाला पार्ट अर्थ पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना, ये ओरिजिनल जहाँ से अपन देखते हैं, इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, दैट्स कॉल्ड सिंपली पी पॉइंट। मैं इसको ना कलर चेंज कर दूँ यहाँ से, तो इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ और इसको मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूँ। सो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मैं डी मान लेता हूँ, थोड़ा चेंज करके लिखूंगा कलर को, तो इसका मैं मान लेता हूँ डी, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डी हो गया। अब ये जो है ये टावर की हाइट है, मान लो टावर ऊपर खड़ा है, धरती के ऊपर खड़ा हुआ है ना, समझना ध्यान से, टावर धरती के ऊपर खड़ा है, तो ऊपर की ओर जेड एक्सिस होती है, याद रखना ऊपर की ओर क्या होती है बेटा, जेड एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये धरती का ओरिजन है, जहाँ से खड़े होकर लेबोरेटरी से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये धरती गहराई है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग आर मान लेते हैं, और क्यू पॉइंट से ये जो एस पॉइंट है ये एच हो गया, एच मतलब कि टावर की हाइट, ये गहराई बिंदु है, और यहाँ से धरती का रेडियस कितना है, आर है, समझ में आ रहा है, ये धरती का ओरिजन है, मतलब गहराई में जो ओरिजन होता है, मान लो धरती तो गोल है, स्फेरिकल है, धरती गोल है, इस धरती का ओरिजन मान लो वो है, तो धरती के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से और सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। अब आपका टावर सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ है, ये रिलायंस का टावर है, और उसकी हाइट कितनी है, एच है, धरती की रेडियस तो 6400 किलोमीटर होती है बेटा, धरती की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, टावर कितना बड़ा होता है, टावर आधा किलोमीटर का होगा, आधा किलोमीटर भी बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटा होता टावर तो वो एच जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, तो हम लोग धरती के यहाँ से कितना मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का एक, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा दे रहा, एक्चुअली में समझ में नहीं आएगा वरना आपको, यहाँ से लेके मेरे पास ओ से लेके और एस तक डिस्टेंस हो गई कितनी, आर प्लस एच, मतलब मेरे पास ओ से लेके और एस तक डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस एच हो गई, ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ, सपोज ये डिस्टेंस, ये मतलब अब मैं ट्रायंगल लूंगा ना, तो इसको मिटा दो एक बार ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये डिस्टेंस मैं ये वाली लेता हूँ, कलर चेंज कर लूँ, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके ये ट्रायंगल में यहाँ से बनाऊँ, बिकॉज टावर से मुझे देखना है यहाँ का, ये टावर से इंपॉर्टेंट होती है डिस्टेंस, तो एस से लेके पी तक की डिस्टेंस डी है, एस से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, वो डी है, ठीक है। अब ये धरती की रेडियस है आर, तो ओ से लेके पी तक डिस्टेंस कितनी है, वो आर है। अब आपको शायद चीज़ें समझ में आ रही होगी, ऊपर से इधर देखना, ये जो ऊपर से है ना, ये आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट ने ऊपर से पी पॉइंट तक लोकेट किया, सैटेलाइट ने ऊपर से एस पॉइंट तक लोकेट किया, पी पॉइंट धरती की सरफेस पर है, एस पॉइंट टावर के ऊपर है ना, इधर देखना ये आपका रिलायंस का टावर लग रहा है, ठीक है ना, ये आपका सैटेलाइट है, तो ये यहाँ से भी देखता है इसको सिग्नल लेते वक्त, और धरती पर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसको सिग्नल देता भी है, तो ये आपका सैटेलाइट है, ये आपका पी पॉइंट धरती की सरफेस पर, ये टावर का बिंदु एस है, तो ये इस तरह का कुछ लोकेशन बन रहा है, 3D में मैंने आपको इस प्रकार दिखाया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ थोड़ा सा, तो यूजिंग द वेक्टर रूल, वेक्टर रूल लगा दो, वेक्टर रूल बहुत सिंपल होता है, वेक्टर रूल क्या बोलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ओ एस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, तो वेक्टर रूल लगा दो, वेक्टर रूल ये बात बोलता है बेटा कि अगर दो वेक्टर सेम डाले जाए, मतलब कि ओ एस जा रहा है और उसी के साथ कहाँ जा रहा है, एस पी जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ओ पी के बराबर हो जाएगा। अब साइड डिस्टेंस आपको पता है, ओ एस कितनी है, आर प्लस एच है, और एस पी कितना है, वो डी है, और ओ पी कितना है, वो आर है। अब फटाफट लिख लो जल्दी, ठीक है, अब आगे चलो, ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ तो r प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r वेक्टर माइनस d वेक्टर। अब अगर मैं, मेरे को ये बात पता है कि r और d में एंगल कितना बना हुआ है, 90 माइनस बीटा, कितना एंगल बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 90 माइनस बीटा क्यों बना हुआ है। r और d में 90 माइनस बीटा इसलिए बना हुआ है बेटा क्योंकि ये डिस्टेंस बीटा एंगल के साथ है। हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल है वो बीटा है, तो r और d जो है, ये d जा रहा है, ये r जा रहा है, ये तो r जा रहा है और ये d जा रहा है, ये d की डायरेक्शन, ये r की है, तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि ये 90 माइनस बीटा है, ये भी 90 माइनस बीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस बीटा है। तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, बीटा मैं आपको समझाऊंगा, देखो बीटा आएगा पीछे ना कहीं बीटा आएगा, आपको दिखा दूंगा बीटा कहाँ आएगा। तो ये बीटा होता है कि भैया लोकेशन एंगल कहलाता है बीटा। तो आर और डी में जो एंगल है वो 90 माइनस बीटा है, बस इतना अज्यूम कर लो आप लोग, और ये जो है 90 हो जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा, चलो कोई नहीं, अज्यूम कर लो अभी फिलहाल के लिए कि ये कितना है, 90 माइनस बीटा है या 90 प्लस होना चाहिए, या 90 माइनस नहीं होना चाहिए, ये 90 प्लस होना चाहिए क्योंकि ये हो जाएगा 90 माइनस। हाँ अब ठीक है ना, वही तो मैं सोचूं, एक्चुअली में ये जो एंगल है ना, ये बीटा होता है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, अज़ीमुथल एंगल, ये होता है 90 माइनस बीटा। मैं आपको अलग अलग कलर में दिखाता हूँ, देखो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मैं अलग अलग एंगल बनाने वाला हूँ। ये जो येलो कलर का एंगल है, ये तो है बीटा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में जो ग्रीन कलर का एंगल है, ये वाला ग्रीन कलर का एंगल, ग्रीन कलर का एंगल है 90 माइनस बीटा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलते हैं, ये होता है, तो ये 90 होता है, ये 90 है, ठीक है, और इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको मैं पिंक कलर, ये 90 होता है एक्चुअली में, तो पिंक कलर 90 होता है। अब ट्राइंगल जो होता है ना, उसमें तीनों कोण जो होते हैं वो 180 के होते हैं, तो अब जो बचा वाइट कलर एंगल, ये वाइट कलर एंगल जो है ना, वो हो जाएगा 180 माइनस, नाइन्टी माइनस 180 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 बीटा, ये बीटा होगा, फिर ये वाला भी बीटा होगा, इवेंट्स को, ये जो ग्रीन कलर का एंगल है ये बीटा होगा, दैट्स द बीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180 बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 बीटा, चलो ये बैठ गया, पर हाँ ये 90 माइनस, ये 90 प्लस बीटा होगा, ये श्योर है, ये 90 प्लस बीटा होगा, ये श्योर है, ठीक है, ये एक बार रुको, इसको देखना पड़ेगा मुझे एंगल्स को,
बट अभी इतना याद रख लो कि आर और डी में जो एंगल है वो 90+ बीटा है, मुझे बीटा एक बार चेक करना पड़ेगा फिर समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। ये आगे भी आएगा एक्चुअली, जब एक और डेरिवेशन होगा आगे वहाँ भी आएगा ये सेम चीज, ठीक है। तो आर और डी में एंगल 90+ बीटा है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर और एच तो सेम डायमेंशन में है तो उसमें तो एंगल 0 डिग्री है, तो 2 आर एच कोस 0, बिकॉज दोनों में एंगल 0 सेम डायरेक्शन में है ना वो, इसलिए। बट आर और डी सेम में नहीं है, तो आर में और डी में जो एंगल बना हुआ है वो 2 AB और कोस ये बना हुआ है 90+ बीटा। कोस 90+ बीटा होता है बेटा -sin थीटा, तो -sin थीटा इसको अज्यूम कर लेंगे हम लोग। और अब इसमें हम लोग जो है आर से आर कैंसिल आउट कर देंगे, अब यहाँ कितना बच जाएगा मेरे पास, केवल डी स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं डी स्क्वायर को लिख देता हूँ, और प्लस प्लस इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि कोस 90 -थीटा बराबर जो होता है ना वो -sin थीटा होता है, इसलिए 2 RD ये हो जाएगा sin बीटा, ठीक है। ये दोनों हो गए मेरे पास, अब इसको मैं लिखता हूँ, इस एच स्क्वायर और 2 RH को मैं शिफ्ट करता हूँ, तो एच स्क्वायर और 2 RH को मैंने शिफ्ट कर दिया बराबर 0। यहाँ से ये इक्वेशन बन गई डी की फॉर्म में, तो डी की फॉर्म बन गई, तो श्री धराचार्य फॉर्म लगा दो, तो डी इज इक्वल टू -B प्लस माइनस अंडर रूट एंड बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 R स्क्वायर, सो बी स्क्वायर -4 AC, तो -4 AC, तो ए तो कितना है मेरे पास, 1 है, तो ए तो 1 है, और सी कितना है मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस 2 RH अपॉन 2A, सो अपॉन 2A। तो इस 2 से तो 2 कट जाएगा पूरा, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा तो कॉमन आ जाएगा 4 भी, तो ये कट जाएगा। सो अल्टीमेटली डी का जो वैल्यू है मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा, -R sin बीटा प्लस माइनस अंडर रूट R स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 RH, ठीक है ना। डी का वैल्यू जो है वो मिनिमम होता है, इसको नाम दो इक्वेशन 1, अभी मत दो, इसको पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, डी इज द मिनिमम व्हेन बीटा इज 90। बीटा हाँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेते क्या हो जाएगा मेरे पास, डी इज इक्वल टू हो जाएगा -R sin बीटा प्लस अंडर रूट R स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 RH, इक्वेशन नंबर 1। नाउ डी इज मिनिमम व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आप यहां पर जब 90 रख दोगे ना तो इसका वैल्यू सबसे कम हो जाएगा 90 रखते ही, ठीक है। तो 90 रख दो, तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा मेरे पास, -R sin 90 प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 RH। वैल्यूज पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, -R प्लस R प्लस H, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिनिमम हाइट मतलब एंटीना की हाइट के बराबर हो जाएगा, जो कि सबसे कम होती है, और डी का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब बीटा बराबर 0 डिग्री होगा। सो डी इज मैक्सिमम वेन थीटा इज इक्वल टू 0। यही चीज़ आप लोग यहाँ ऊपर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, 90 की जगह 0 पुट कर दो, तो डी मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 2 RH।
एच बाहर ले लो तो 1 प्लस 2 r अपॉन h टू द पावर 1 बाई 2। ठीक है, सो इफ डी इज मैक्सिमम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये बात जानते हैं कि अगर डी मैक्सिमम हो गया तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर लेंगे हम लोग। सो डी मैक्सिमम जो है अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, एच प्लस आर के बराबर हो जाएगा। तो ये डी का वैल्यू का कैलकुलेशन हो गया, दैट्स इट। अब बाकी हम लोग जो है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।